रांची रेलवे स्टेशन के पास लावारिस अवस्था में एक कुकर मिला है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है, आप देख सकते हैं ये तस्वीर में, पूरे बैरिकेडिंग के बीच में कुकर है और यहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी है। पूरे इलाके को सील कर दिया गया है और स्टेशन के बाहर के जितने भी लोग हैं उन्हें यहाँ से खाली करवा दिया गया। हमारे साथ पुलिस अधिकारी, उनसे जानते हैं सर क्या जानकारी मिली है। सूचना मिली कि जो है एक लावारिस कुकर जो है यहाँ पे पार्किंग एरिया में है काफ़ी देर से, जिसका जांच और सत्यापन हम लोग जो है यहाँ पे पूरा खाली करवा के और कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड टीम भी जो है बुलवा के स्निफर डॉग से भी जो है जांच करवाया गया है। संभावना है कि जो है किसी पैसेंजर का जो है यह छूटा हुआ सामान है, लेकिन आप लोग एहतियात के तौर पर एहतियात पूरा बरते हुए हैं। डॉग स्क्वाड की टीम बुलाया गया है और जो है BDTS की टीम बुलाया गया है। हमारा जो है स्पेशल टीम जो है इसके लिए आ रहा है, इसका बढ़िया से जांच और सत्यापन करने के बाद ही जो आगे हम लोग कोई कार्रवाई करेंगे। तो बिल्कुल एहतियात के तौर पे डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है। देखिए आपको एक बार फिर से तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि किस तरह से पूरे नए डब्बा में कुकर है और यहाँ पर पुलिस ने पूरी तरह से बैरिकेडिंग कर दी है और इस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया है। चारों तरफ पुलिस के जवान और अधिकारी को तैनात कर दिया गया है और इंतजार किया जा रहा है डॉग स्क्वाड की टीम का। तो देखिए ये जो जहाँ पर ये कुकर मिला है उसके थोड़े ही दूर बाद रेलवे स्टेशन का जो है मुख्य द्वार है, कह सकते हैं कि रांची रेलवे स्टेशन के ठीक बाहर और जो पार्किंग है, नया पार्किंग का जो इलाका बना है उस पार्किंग के इलाके के पास ये कुकर मिला है। तो पुलिस की टीम अभी डॉग स्क्वाड की टीम का इंतजार कर रही है। डॉग स्क्वाड की टीम आएगी, जांच करेगी, उसके बाद साफ हो पाएगा कि आखिर इस प्रेशर कुकर में क्या कुछ है। रांची से सनी सारथ की रिपोर्ट।